हेलो दोस्तों, आई एम लकी मैन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज क्यों आपको बताने वाला मैं फौजी गेम के बारे में, उसकी यहाँ पे रिलीज डेट है वो भी आ चुकी है। तो क्यों ना वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, क्यों ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो दोस्तों, आपको याद हो हमारे पास यहाँ पे जब हमारा पबजी मोबाइल बैन हुआ था, तो उसी के एक दो दिन के बाद यहाँ पे हमारे पास एक न्यू गेम आया था फौजी, जिसका यहाँ पे जो हमारा पोस्टर है वो रिवील किया गया था, और कहा जा रहा था कि यहाँ पे जो फौजी गेम होने वाला है वो यहाँ पे बैटल रॉयल होगा, एक पबजी का इंडियन वर्जन होगा, उसी तरीके आपको जो गेम में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे काफी टाइम के बाद यहाँ पे हमारे पास फिर से अब यहाँ पे जो एनकोर गेम्स है, तो उन्होंने आज ही अपने यहाँ पे कुछ टाइम पहले हमारे पास यहाँ पे जो फौजी गेम है तो उसका जो ट्रेलर है वो यहाँ पे रिलीज कर दिया। तो ट्रेलर में आपको दोस्तों यहाँ पे जो इन्होंने ट्विटर पे अपना एक पोस्ट करके जो ट्रेलर को पूरा रिलीज किया, तो यहाँ पे आप जो ट्विटर पोस्ट देख सकते हो, गुड ऑलवेज ट्रंप ओवर द इवेज, द लाइट विल ऑलवेज कॉन्कर द डार्कनेस। तो काफी अच्छे कोट के साथ इन्होंने अपने यहाँ जो ट्रेलर है आज वो दशहरा के दिन लॉन्च किया। तो यहाँ पे बस इसका मतलब तो वही है कि यहाँ पे जो अच्छाई है वो हमेशा जीतती है बुराई पे, और बाकी यहाँ पे जो लाइट है वो हमेशा हरा देती है ये डार्कनेस को। तो काफी अच्छे कोड के साथ यहाँ पे इन्होंने अपना जो ट्रेलर है वो लॉन्च किया, और इस यहाँ पे जो ट्रेलर के साथ इन्होंने अपनी जो रिलीज डेट है वो भी बता दिया। तो यहाँ पे जो गेम है वो रिलीज होने वाला है 2020 को। हालांकि इन्होंने जो एग्जैक्ट रिलीज डेट है, गेम किस दिन रिलीज होगा, किस दिन हमारे जो ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर देखने को मिलेगा, तो वो अभी तक इन्होंने यहाँ पे सीक्रेट रखा है, वो बताया नहीं है। मे भी हो सकता है कि आपको जो गेम है आपको दिवाली पे देखने को मिल जाए, 14 नवंबर की दिवाली है, तो उसी के आसपास आपको यहां पे जो मिड नवंबर के पास ये गेम देखने को मिल सकता है। तो आपने जो वीडियो के स्टार्टिंग में दोस्तों ट्रेलर देखा है, तो आपको मैं उसके बारे में बताता हूं अब क्या क्या हो सकता है गेम में और क्या क्या है गेम में। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पे ट्रेलर स्टार्ट होता है, हमें देखने को मिलता है गलवान वैली का बोर्ड, और फिर हमें देखने को मिलेंगे कुछ हेलीकॉप्टर्स। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि हेलीकॉप्टर्स को आप उड़ा तो नहीं सकते, आपको बस ये एक प्लेस पर ड्रॉप ही करने वाले हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिलता है एक ये सरदार जी वाला करेक्टर, तो ये देख सकते हो मेरे ख्याल से यहाँ पे इस गेम का मेन करेक्टर हो सकता है। आप इसी को लेके अपने जो आपको मिशंस करने हैं, जैसे कि पीछे बताया गया था स्टोरी मोड यहाँ पे गेम होने वाला है, कुछ आपको जो मिशंस है वो कंप्लीट करने पड़ेंगे। और तो ये देख सकते हो यहाँ पे अपने ये कुछ पार्टनर्स को बुलाता है, और इसके बाद हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत हमारा विक्टर चाचा जैसा मिलता जुलता एक करेक्टर देखने को मिलता है। देख सकते हो यहाँ पे कुछ वैसा ही टकला सा करेक्टर लग रहा है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो विवेन, फिर कुछ हेलीकॉप्टर से जो हमारे कमांडोज हैं ये जो सोल्जर्स हैं उतरते हैं, तो इसकी जो मूवमेंट है वो मुझे थोड़ी अजीब सी लग रही है। बाकी उसके बाद यहाँ पंचिस मारते हैं, तो पंचिस काफ़ी मतलब अलग ही टाइप के जो पंचिस हैं वो लग रहे हैं। तो करेक्टर के आप देख सकते हो जो मूवमेंट जो मारता है तो अलग ही लगता है। और फिर आपको जैसे पीछे की न्यूज़ आई थी कि इसका जो लेवल वन होने वाला है वो गलवान वैली पे होने वाला है, और वैसे ही हमें इसके स्टार्टिंग में जो देखने को मिला है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे इंडियन सोल्जर्स हैं वो कुछ चाइनीज सोल्जर्स को मार रहे हैं। तो बस ऐसे ही आपको इस गेम में कुछ करना होगा, आपको जो मिशन कंप्लीट करने छोटे मोटे कुछ मिशंस होंगे। बाकी यहाँ पे पीछे आपको पबजी की तरह यहाँ पे कुछ अपने जो बोरियां सी दिख रही होंगी, फिर कुछ कंटेनर्स हैं और एक शैक भी है, तो पता नहीं हम उसके अंदर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। और पीछे आपको यहाँ पे एक ट्रक का मिलिट्री का जो ट्रक होता है नॉर्मली, तो वो भी देखने को मिलता है, फेंसिंग फुंसिंग है। तो मे भी यहाँ पे आप इसको बस मेरे ख्याल से एक ही डायरेक्शन में जा सकते हो, ये ओपन वर्ल्ड गेम नहीं होगा जैसे कि पबजी मोबाइल में पूरा मैप होता है, वैसे नहीं होने वाला। बस आपको यहाँ पे एक ही अपना जो मिशन है आप उसी की तरफ यहाँ पे प्रोग्रेस कर सकते हो। आप यहाँ पे आज फील्ड में अपना घूम नहीं सकते, इसकी जो मेरे ख्याल से जो मैप का डिजाइन होगा वो कुछ इस तरीके से ही होगा, आप बस अपना स्ट्रेट अवे मिशन करना आपको, और कुछ करना नहीं है इसमें। और जहां तक मेरा ख्याल है कि जो गेम है वो यहाँ पे काफी छोटा सा गेम होने वाला है, 50 से 100 MB तक का गेम होगा, और हद से हो सकता है कि यहाँ पे ये 300 MB तक का गेम होगा, उससे ज्यादा होने वाला नहीं है ये। और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो फ्लैग, इंडियन फ्लैग, और फिर आपको यहाँ पे जो सरदार जी है फिर से लूट मारते हुए देखेंगे, और ट्रेलर के लास्ट में फिर यहाँ पे टुगेदर वी सिक्योर भारत, और फिर यहाँ पे लास्ट में एक बार फिर से फ्लैग, और आपको यहाँ पे 5 प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं। तो मे भी हो सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो 5 प्लेयर्स हैं, तो ये हो सकते हैं इस गेम के 5 मेन करेक्टर्स, या फिर हो सकते हैं साइड करेक्टर्स 4, और बाकी का जो सेंटर में वो मेन करेक्टर हो सकता है, जिसको लेके आप यहाँ पे मिशंस अपने जो स्टोरी मोड आपको कंप्लीट कर सकते हो। तो यही कुछ सिंपल सी यहाँ पे इस गेम की जो स्टोरी होने वाली है, बाकी ना इसमें आपको जो बैटल रॉयल का मोड है ना ही कोई और मोड है जो अभी तक देखने को मिलेगा। तो जो उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे वी आर द फौजीज, और आगे लास्ट में जो इनका ऑफिशियल लोगो है, तो देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी रेड रेड टाइप का लोगो है, और फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स इसकी जो फुल फॉर्म है, और फिर यहाँ पे एल्डन अल्टीमेट इंडियन एक्शन गेम है ये। तो एक्शन गेम है, आपको ये काफ़ी जल्दी अपने जो प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर देखने को मिलने वाला है। तो उसके बाद लास्ट में यहाँ पे अपना कमिंग सून दिखाया आपको मैंने, इसकी जो रिलीज डेट है वो बता ही दिया कि जो नवंबर के मिड तक आपके जो गेम है वो देखने को मिल जाएगा। तो इसके बाद जैसे यहाँ पे कोई गेम ये गेम आता है तो हम लॉन्च होगा, तो हम इसको एक बार खेलने की ट्राई करेंगे। और लास्ट में बस वही जो आत्मनिर्भर भारत इनका जो एक मूवमेंट था वो जो अपना जो इसकी जो अर्निंग होगी वो देंगे, वही यहाँ पे एक बार फिर से अपने जो ट्रेलर में बता रहे हैं। तो ठीक ठाक ट्रेलर है,
और दोस्तों बाकी आपको पता ही होगा कि यहाँ पे जो नॉर्मली गेम्स होती हैं, कोई भी गेम होगी, चाहे बड़ी से बड़ी गेम हो या छोटी गेम हो, तो अपने ट्रेलर्स में नॉर्मली अपनी गेम को बड़ा चढ़ा के ही दिखाते हैं, क्योंकि ऐसा असलियत में गेम में कुछ होता नहीं है। लेकिन तो कुछ यहाँ पे थोड़ा बहुत आप इससे कम ही एक्सपेक्ट कर सकते हो जो आपको ट्रेलर में देखने को मिल रहा है। तो बाकी वहाँ पर डिपेंड करता है कि आप इस गेम को खेलते हो नहीं खेलते हो, तो उसको खेल के एक बार ट्राई करेंगे। बाकी और अपने कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन बता सकते हो कि आपको यहाँ जो गेम है वो कैसा लगा है, ट्रेलर कैसा लगा है, क्या आप यहाँ पे इस गेम को खेलना चाहोगे। तो यही था आज की वीडियो के लिए। बाकी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तब तक के लिए गुड बाय।